अब अगले वक्ता के रूप में हम चाहेंगे कि हमारे यूनिसेफ स्कूल के पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी जी आगे और अपनी बातों को तब सब सुन रहे थे। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप सबों के हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, सम्मानित मंच और बिहार के हर एक कोने से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारी माताएं, हमारे भाई बहन, आज सबसे पहले कि भारत के निर्माता बाबा साहेब है उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और बस एक ही शब्द कहना चाहूँगी कि जो साहब आप लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के स्वागत में और उनको देखने में जो आपका उत्साह दिखता है, यह उत्साह बनाए रखिए। और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप पूरे बिहार की भी 10 करोड़ जनता है उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने उत्साह को हमेशा जारी करके रखेंगे। आप आए इसलिए आप सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय बहुत कम है। के रूप में वीरेंद्र कुमार कोना जी बच गए थे, पत्रकार आते थे, आपने एक मिनट तक अपनी बातों को रखे, सिर्फ आप धन्यवाद देते हैं हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण। जो समय की सीमा है, मैं एक ही चीज कहूंगा, धन्यवाद देने के साथ आप नारा लगाएंगे, जो आप बोलना चाहते हैं मैं वही बोलूंगा। हमारे साथी को मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे पूरे जिला से सभी जिलाध्यक्ष एवं सभी आयोग में हमारे भाई को धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं और धन्यवाद और वंदन करते हैं। और आज हम लोग तो आज बैठक का अहम दिन है और हम लोग आज शपथ लेंगे कि 2025 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस जो 12 जनपद में जिस तरह से हमारे गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और हमारे देश रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो अमान्य अपमानित हुआ, उसको लिए हम आप लोग से साथ चलने का काम करेंगे और उस अपमानित को बदला लेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। अब अपने वक्ता के रूप में हम चाहेंगे हमारे विधायक और पार्टी के नेता आदरणीय